फ्रेंड्स आइए बात करते हैं बैटरी रिसाइकलिंग कंपनी के बारे में, जो कि बैटरी जो फेंकी हुई बैटरी होती है, लीड एसिड या लिथियम बैटरी, उसका फिर से रिसाइकलिंग करने का काम करती है, जो कि एक यूनिक बिजनेस है, मोनोपोली बिजनेस है इंडिया में, ऐसी एक ही कंपनी है लिस्टेड इस टाइप की। दोस्तों इसका जो अगर हम देखें तो ये लीड अलॉयज जो होते हैं उसको प्रोसेस करती है जो बैटरी में लगता है, और रिसाइकलिंग का भी काम करती है, और नया लीड भी बनाती है, और लीड के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी बनाती है। दोस्तों इसका फ्राइडे का क्लोजिंग था 235 रुपीज़ और 52 भी खाया था 243 रुपीज़, तो ये अभी ब्रेकआउट के वर्ज पर है, हो सकता है ये हफ्ते में ब्रेकआउट दे दे। इसका पी है 16 का, जो कि बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन है। ईपीएस है 14 का, जो कि इसके रेट के हिसाब से बहुत ही साउंड है। डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.95। डेट थोड़ा मतलब एक के अंदर तो है, अच्छा है, बट थोड़ा डेट इसलिए बढ़ा अभी क्योंकि इन्होंने एक्सपांशन किया है, साउथ अफ्रीका में प्लांट लगाया है, यही बैटरी रिसाइकलिंग का लीड रिसाइकल का इन्होंने नया प्लांट लगाया है, तो उसका प्रोडक्शन भी, उसका भी रेवेन्यू और प्रॉफिट इसके अंदर ऐड हो जाएगा आने वाले क्वार्टर्स में। इसका अगर प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो 73% प्रोमोटर्स के पास है, जो कि काफ़ी कन्विंसिंग है, प्रॉमिसिंग है। FII का होल्डिंग है 0.86% और FII ने इसी सितंबर क्वार्टर में इसमें एंट्री मारी है, मतलब आने वाले दिनों में इसका जो फ्यूचर है हमें ब्राइट दिख रहा है। डेट इस पर DII का होल्डिंग कुछ भी नहीं है, बट DII का भी होल्डिंग हो सकता है इस क्वार्टर में, अब देखने को मिले दिसंबर में। ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट बहुत ही शानदार दिया है कंपनी ने। सितंबर 2020 में प्रॉफिट था 12 करोड़, जून 2021 में बढ़कर हो गया 22 करोड़, एंड सितंबर 2021 में वो बढ़कर हो गया 37 करोड़। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसी प्रकार से अगर कंपनी चली तो यही EPS हमें 20 का देखने को मिलेगा, और रेट वो हिसाब से बहुत ही कम है 235 रुपीज़ का। तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जिसको पोर्टफोलियो में ऐड कर दीजिए, फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, और अभी टू व्हीलर का इतना जो चलन चल रहा है, टू व्हीलर फोर व्हीलर का बैटरी ऑपरेटेड, तो उसकी बैटरियाँ निकलेगी तो रिसाइकिल को जाएगी, तो ये कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ता हुआ हमें दिख सकता है। तो इसीलिए कंपनी का नाम है ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड, GRAVITA ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड। कंपनी अच्छी है, फ्यूचरिस्टिक है, मोनोपोली बिजनेस में है, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यह शेयर लगातार ऊपर ही जा रहा है, मार्केट के करेक्शन नीचे आया पर फिर से उसने रिकवर कर लिया, मार्केट चला तो ये शेयर ब्रेकआउट देके 260-270 का रेट भी दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में, और अगर मार्केट गिरता भी है तो आप इसको थोड़े पहले बाय करते रहिए, क्योंकि ये शेयर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, तो इस बारे में आप स्टडी करके भी डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू।